हाय गाइस, आई एम अंजलि। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा DIY स्लीपिंग मास्क जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ किया है वो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा और ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होने वाला है। और इसे अगर आप 1 वीक तक अप्लाई करते हैं डेली बेसिस पे तो डेफ़िनेटली आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन और ग्लोइंग लगने लगेगी। तो इसे कैसे बनाना है उसे जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस स्लीपिंग मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक बाउल और उसमें आपको कॉफ़ी पाउडर लेना है। आपको 1.5 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर लेना है और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं और इसमें आपको 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा ऐड करने के बाद लास्ट में आपको इसमें ऐड करना है 1 विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल। आपको ये विटामिन ई कैप्सूल मार्केट में इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। और ये जो विटामिन ई ऑयल होता है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और आपको इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो कुछ क्रीमी टाइप की जेल लाइक कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता है तब तक। और ये जो स्लीपिंग मास्क है ये अब बिल्कुल रेडी हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये अप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। एंड गाइस, आप इस स्लीपिंग मास्क को 1 वीक तक किसी भी टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। 1 वीक से ज़्यादा इसकी सेल्फ लाइफ नहीं है तो आपको इसे 1 वीक तक ही स्टोर करके रखना है। और इसे आपको रखना है, उसके बाद रोज़ रात में सोने से पहले आपको इसे अप्लाई करना है और ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पे रख लिया है इसे। एंड मैं अब इस स्लीपिंग मास्क को सबसे पहले अपने हाथों पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी और उसके बाद मैं इसे अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो आपको क्या करना है, बस इसी तरीके से अप्लाई करना है। एंड ये आपकी स्किन में, अगर आप इसे डेली बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन में ये ग्लो प्रोवाइड करेगा और साथ ही आपकी स्किन को शाइनी ब्राइटन बनाने में हेल्प करेगा। एंड देन अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो आपको रोज़ रात में सोने से पहले इसे इसी तरीके से अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा आपको क्वांटिटी नहीं लेना है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी लेना है और अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करना है। और आप चाहें तो आप इस क्रीम का पैच टेस्ट भी कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। और अब मैं आपको बताऊंगी कि इस स्लीपिंग मास्क में जो भी मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन के लिए। ये स्लीपिंग मास्क आपकी स्किन में एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया था कॉफ़ी पाउडर। तो कॉफ़ी पाउडर जो होता है वो हमारी स्किन में ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स, सन स्पॉट इन सभी को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर, ब्राइटन और ग्लोइंग लगने लगेगी और साथ ही आपकी स्किन को टाइटन बनाने में हेल्प करेगा। आपको फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। और इसे अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ी देर तक अपने फेस पे अच्छे से मसाज भी करना है और उसके बाद रात भर के लिए आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है और मॉर्निंग में आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। और उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको 1 वीक में ही काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा अपनी स्किन पे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, मेरे वीडियोस और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।